हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के 17 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में हुए मैथ के सभी 25 सवालों का सॉल्यूशन, जो कि आप यूनिक तरीके से कम टाइम में कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। तो दिया है एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो त्रिभुज होने के लिए एक कंडीशन होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होता है। ये एक कंडीशन होती है त्रिभुज बनने के लिए। तो देखते हैं ये कौन सी कंडीशन हो रही है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग और तीसरी भुजा हमने एक्स है और इसका बड़ा होगा दो, तीसरी से दो भुजाओं का योग और अंतर जो है इससे छोटा होगा। तो देख लेते हैं 20 और 42, 30 और 42 का ऐड कर देते हैं, ये तीसरी से बड़ा होगा और जो तीसरी वाली है इनका अंतर, इनके अंतर से ये छोटा बड़ा होगा। तो 30 और 42 हो गए आपके 72 ग्रेटर देन होगा x से और लेस देन होगा 42 माइनस 30 होगा 12। तो ये कंडीशन हो गई, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 88 से पूर्णतः विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की संख्या देखते हैं 88, 88 का मतलब है वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी। तो हम सबसे पहले 8 से देखते हैं, पहली संख्या देखते हैं, अगर ये संख्या तो पूरी 11 से डिवाइड हो रही है ए। तो पहली संख्या हम अगर चेक ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं 99990, तो ये पूर्णतः 11 से तो डिवाइड हो रही है, ये 0 और ये 0 और ये 0, तो ये 11 से तो डिवाइड हो रही है। अब हम देखते हैं कि यह संख्या 8 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो 8 से डिवाइड होने के लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट होता है कि लास्ट की 3 डिजिट हम देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट ओड है कि इवन है। तो अब देखते हैं हम डी, ऑप्शन डी चेक कर देते हैं 99968। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 0, पहली दो का, इन दो का हो गया 3 और लास्ट में बची 8, तो इनको ऐड कर देते हैं 11। तो 11 से तो डिवाइड हो रही है, यानी कि 11 से डिवाइड हो रही है। अब हम चेक करते हैं 8 से, तो 8 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है, लास्ट की 3 डिजिट हम देख लेते हैं ओड है कि इवन है। अगर ओड है तो लास्ट में, लास्ट की संख्या में 4 ऐड करके और 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो 68 प्लस 4 हो गया 72, जो कि 8 से डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, यदि एक महीने में स्टोर पर 2500 लैपटॉप बेचे गए तो हमें बताना है ए और सी के बीच में डिफरेंस, यानी कि 42 और 8। तो इनका हमें अंतर देखते हैं, यह आ जाएगा 32, 40% और 8% का अंतर हो गया ए और सी का 32, यानी कि 2500 जो वैल्यू है ये दी हुई है 100% की, तो आपसे पूछी है 32 की। तो 20 से 20 कट गई और 32 का ढाई गुना, यानी कि 32 में अगर 25 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 800, यानी कि ऑप्शन हो गया सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ए प्लस 1/a इज इक्वल टू 7 है, देन आपसे पूछा है ए की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 आपको क्या होगा। तो एक फॉर्मूला है एलजेब्रा में, तो ए की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 का ए की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 इंटू में ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करके माइनस ए प्लस 1/a माइनस करते हैं, तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए की पावर क्यू, ए प्लस 1/a आपको दिया है 7, देन ए की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब हम फाइंड कर देते हैं, तो 7 का क्यूब करते हैं, 7 का क्यूब माइनस और इसका 3 टाइम कर देते हैं इससे माइनस, तो 7 का क्यूब हो गया 343 और माइनस 21 करेगा तो 322, 322 आ गया यहाँ से ए की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3, तो 322 और मल्टीप्लाई में अब हम फाइंड करते हैं ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर कर देते हैं 7 का स्क्वायर
माइनस टू, सात का स्क्वायर हो गया 49, 49 में से दो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 47, तो इसके मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा। और लास्ट में माइनस कर देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से दी हुई है 7, तो अभी इसमें से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं तो आ जाएगा 7 × 14, 47 × 94 और 47 × 94 और 9 = 103, 10 × 47 = 3, एक ये हो जाएगा आपका 115 = 134 माइनस 7, तो इसमें से माइनस कर दे करते हैं तो आ जाएगा 15 = 127, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको फाइंड करना है कोस 47 डिग्री, सेक 133 डिग्री प्लस साइन 44 डिग्री और कोसेक 136। तो पहले क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, और थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं टैन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं कोस और सेक। तो ये देखते हैं हम, सबसे पहले हम देखते हैं कोस 147। तो कोस 147 अगर हम जो तो रखे तो कोस 47 और सेक 133 को अगर हम चेंज करें तो सेक 180 माइनस 47, ये हो जाएगा सेक 180 माइनस 47 प्लस में आपको दिया है साइन 44 डिग्री, साइन 44 डिग्री हो जाएगा। और हम कोसेक 136 को चेंज करेंगे, कोसेक 180 माइनस 44, ये 180 माइनस 44 हो जाएगा। तो थर्ड अभी देखते हैं कि ये हो जाएगा कोस 47 डिग्री और सेक 180 माइनस 47, ये हो रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हो जाएगा माइनस का सेक 47 डिग्री प्लस साइन 44 हो गया, और कोसेक 180 माइनस 44 हो जाएगा कोसेक 144, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये प्लस को होगा तो ये माइनस को हो जाएगा कोस 47 × sec 47 प्लस sin 44 × cosec 44, ये इससे कट जाएगा पूरा, ये माइनस का है प्लस का, तो इससे पूरा कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 0, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एबीसी एक साथ एक समय एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू कर देते हैं, 1200 मीटर लंबाई के वृत्ताकार ट्रैक के परिधि 2 मीटर प्रति सेकंड 4-6 की चाल से चलते हैं, ए बी एक दिशा में दौड़ते हैं जबकि सी अन्य दो के विपरीत, तो पहली बार कब मिलेंगे। तो ए बी ये दोनों एक डायरेक्शन में दौड़ते हैं और सी कोई पर्सन है ये इनके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है, ए और सी की स्पीड है 2 और 4, ए की स्पीड है 2 और बी की स्पीड है 4, सी की स्पीड है 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब से जब तीन बंदे कोई भी तीन पर्सन जब भी दौड़ते हैं तो उनका पहली बार जब मिलेंगे तो उनका टाइम का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो जब भी मिलेंगे तो तब तक टाइम समान रहेगा तो उनके हम टाइम का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ टी इनके टाइम का। तो पहले देखते हैं हम कि ए को कितना टाइम लगा और बी को, तो हम इनके टाइम की कल गणना करते थे। तो सबसे पहले टी वन, हम अगर ए की गणना करें तो टी वन है 1200 मीटर 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो इसे टाइम लगा 600 सेकंड। अगर हम टी टू की गणना करें तो 1200 मीटर पूरा वृत्ताकार ट्रैक है और 4 की स्पीड से, तो इसे लगेगा 300 सेकंड। अगर हम सी के टाइम की गणना करते हैं तो आ जाएगा 1200 बटे, ये हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो हो जाएगा 200 सेकंड। तो हम देखते हैं इनके टी वन टी टू और टी थ्री की एलसीएम ले ले, तो 600 300 और 200 सेकंड के अगर हम एलसीएम ले ले तो आ जाएगा 600 सेकंड, ये आंसर जो आया 600 सेकंड में है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 600 सेकंड, सेकंड में है तो इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट के बाद वे मिले पहली बार मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 14,522, 11 वर्षों में मिश्रधन 18,906 है तो निवेश की गई राशि क्या है। मान लीजिए पहले कोई प्रिंसिपल रहा होगा और 7 साल बाद ये कुछ रुपये हो गया और 11 साल बाद कुछ रुपये हो गया, तो 7 साल बाद और 11 साल बाद, तो 7 साल बाद और 11 साल बाद, तो इनके बीच में 4 साल का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ से ये 14,522 से 18,906 तक 4 साल का गैप हुआ। तो इनके बीच में हम गणना कर लेते हैं कितने की वृद्धि हुई। 18,906 में से 14,522 घटाएंगे तो आ जाएगा, यह आ जाएगा 4,389। 4,389 जो मिले हमें 4 साल में मिले साधारण ब्याज पर, तो 4 साल में मिले और 7 साल में कितने, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 0, 4 9 36 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 1,996 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7,672 रुपये 7 साल में हुए। तो अभी इसमें से माइनस करेंगे, 14,522 में से 7,672 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 0 और 2 में से 2 0, 5 और ये हो जाएगा 8 और 6, यानी कि 6850, यानी कि वह प्रिंसिपल उसका 6850, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं में 34% की वृद्धि हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a² इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, और एरिया डिपेंड करता है साइड के स्क्वायर पर, यानी कि एरिया जो है बेसिकली साइड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दिया है 34%, 34% की फ्रैक्शन होती है 34/100, 2 से काटेंगे 17 बार और 2 से काटेंगे 50 बार, यानी कि 50 से 17 की वृद्धि, यानी कि 50 से कोई एरिया 67 हो गया और फिर 50 से 67 हो गया, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 50 में 50 की 2500 और 67 का स्क्वायर करते हैं तो 13,744.89, तो बेसिकली वृद्धि हो रही है 1989 की, 1989 की ओवरऑल वृद्धि हुई 2500 पर, तो 100 पर कितनी, 20 से 20 काटेंगे 25 7 175 और ये हो गए बच्चे कितने 28, 25 निम्मा लगभग 7.9 के करीब मुझे आंसर दिख रहा है, तो 7.9 के आसपास में केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7.956% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, एक 3+3² + 3³.3 की पावर 8 तक, यह एक श्रेणी है जो कि जीपी में दी हुई है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमें इसका सम फाइंड करना है। तो जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन कोस्ट में आर की पावर एन माइनस वन आर माइनस वन, तो यहाँ पे ए दिया है आपको 3 और आर डिफरेंस है, आर दिया है 3 और एन है नंबर ऑफ टर्म्स 8, तो इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू है यहाँ पे 3 और आर की वैल्यू है R की वैल्यू 3 और इसकी पावर 8 करेंगे हम, 3 की पावर 8 माइनस 1 और ये हो जाएगा नीचे 3 माइनस 1 यानी कि अपॉन में 2, तो 3 की पावर अगर हम 8 करते हैं तो इसका 3 की पावर 8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 6561 में से माइनस 1 करते हैं और इनटू में है 3/2 तो हो जाएगा 6560, इसमें से माइनस 1 करके 3/2, तो 2 से काटेंगे ये आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करके 9840, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10,
ए बी सी एक कार्य को 30 दिन 40 दिन 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी, कोई तीन पर्सन है, ए बी सी, ए करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिन में और सी करता है 50 दिन में। अगर हम तीनों का एलसीएम ले ले तो एलसीएम आ जाएगा 600, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 12, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4, 15 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 20। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई ए की 20, बी की 15 और सी की 12। तो देखते हैं तीन दिन का कार्य हो जाएगा 20, 15 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 35 और 12 47। तो तीन दिन का कार्य 47 है। अगर हम इसमें 12 की मल्टीप्लाई करें और इधर की 12, तो 12 तीन 36 और 12 सत्ते 84 और 12 चौक 48 और 8 56, यानी कि 564 कार्य 36 दिन में पूरा हो जाएगा। तो अभी कार्य कितना बचा है, कार्य बचा है अभी 36 यूनिट, तो अभी 36 यूनिट कार्य और बचा है, तो काम खत्म हो गया सी पर आकर। तो अभी जो 36 दिन का कार्य हो गया 564 है, तो 37वें दिन कार्य की बारी आई है ए की, तो 37वां दिन जो कार्य होगा वो ए द्वारा होगा। तो ए द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, 20 यूनिट, तो 564 में 12 यूनिट काम हो रहा है, 564 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 564 में 20 यूनिट है, सॉरी ए का कार्य 20 यूनिट है, तो 584 हो गया। 38वां दिन आया तो बी की बारी है, तो ये 15 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 584 में अगर हम 15 ऐड करें तो हो जाएगा 599 हो जाएगा 38वें दिन। अब तो 39वें दिन कार्य की बारी है सी की, तो 39वें दिन कार्य करेगा सी, कार्य अभी बचा कितना है, एक यूनिट कार्य करेगा सी 12 की एफिशिएंसी से, तो कार्य हो जा को लगा होगा 1/12, तो कार्य पूरा होने में लगा समय 39 सही 1/12 दिन, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की 6 किलोमीटर की चाल तय है, तो सिपाही द्वारा चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा। माना ये डिस्टेंस है यहाँ पे 200 मीटर है, ये मैं चोर को थीप टी से डिनोट कर रहा हूँ, पुलिस को पी से, तो 200 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय जब वह पकड़ा जाएगा तब तक का समय समान होगा, तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस है 200 मीटर और रिलेटिव है स्पीड 8 किलोमीटर और 6, 8 और 6 का डिफरेंस हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से ये हो जाएगा 360, तो इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 360 सेकंड। इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, तो 6 मिनट पश्चात वह उसे पकड़ लेगा, तो तब तक चोर ने कितनी दूरी तय कर ली होगी, हमें इससे बताना है कि सिपाही द्वारा चोर को पकड़ने से पहले कितनी दूरी तय करी होगी। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है यहाँ पे, स्पीड है वो स्पीड आई है 300, डिस्टेंस हो गई स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 6 के हिसाब से 3600 सेकंड करें हम तो आ जाएगा 600 मीटर हो, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक बैग में लाल हरे और नीले पेन हैं, लाल नीले हरे पेन दिए गए क्रम में अनुपात 7, 4, 9 है, तो यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 है तो उनमें से लाल पेन बताने हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड की संख्या है 7x और ब्लू की, ग्रीन की है 4x और ब्लू की है 9x, तो इनकी अगर हम कुल संख्या देखते हैं तो ये 320 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 7x प्लस 4x प्लस 9x, अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो आ जाएगा 32x के बराबर है, तो ये हो जाएगा 20x।
9 और 7 16, 4 20, 20 एक्स की वैल्यू 3200 है, तो एक एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16। तो एक्स की वैल्यू 16 है, तो इससे आपसे पूछा है रेड पेन कितने हैं, तो रेड की वैल्यू है 7x, तो 16 में 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 16, 7 जो हो जाएगा 112, यानी कि ऑप्शन ए इस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर भी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, सुबह उसी काम को 60 दिन में कर सकती है, यदि काम की शुरुआत सुबह से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। दो पर्सन है रवि और सुधा, रवि करता है 40 दिन में, सुधा करती है 60 दिन में। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 120, ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो इनकी एफिशिएंसी देखते हैं, रवि की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट और इसकी 2 यूनिट, तो एफिशिएंसी हो गई इन दोनों की 3 और 2। अब देखते हैं ये बारी बारी से काम करते हैं, पहले दिन अगर रवि करता है और दूसरे दिन सुधा, तो इनका 2 दिन का कार्य हो गया, रवि और सुधा का 2 दिन का कार्य हो गया 5 यूनिट। तो अभी हमें काम करना है 120, तो अगर हम देखते इसका 24 गुना करते हैं तो 5 का 24 गुना हो जाएगा 120 और 2 का 24 गुना हो जाएगा 48, यानी कि उन दोनों को 48 दिन लगेंगे 120 काम पूरा करने में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 18 डिग्री का कोण केंद्र पर अंतरित कर रहा है जिसकी लंबाई 23.1 सेंटीमीटर है, तो पूरा कोण कितने का होगा, यानी कि पूरा सर्किल हमें पता है 360 डिग्री का होता है, ये सर्किल पूरा 360 डिग्री का होता है, तो 18 का अगर हम 20 गुना करें, 18 का 20 गुना करते हैं तो 360 डिग्री, और इसका 20 गुना करते हैं तो हो जाएगा, इसका 20 गुना करेंगे 462 सेंटीमीटर, यानी कि 360 जो वैल्यू है 2πr की वैल्यू दी है 462। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, 2 × 22/7 × r 462 हो गई, और 11 से काटेंगे 2 बार, और 11 से काटेंगे 11 × 44, 11 × 22, और 2 से काटेंगे 2 से 21 बार, और 2 यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 21/7 147 और अपॉन में 2, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 147/2, ये रेडियस आ गई। तो आपसे पूछा है उस वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 22/7 और आर है 147 × 147 अपॉन में आ जाएगा 4, 7 से काटेंगे 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21/7 147 और यह हो जाएगा 2 से काटेंगे 11 बार तो हो जाएगा 3 33 9 5 7 अपॉन 2 और 2 से इसे करेंगे 2 × 2 2 × 6 = 12, 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 2 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18 और 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16 और 0.5, यानी कि 16978.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आपको दिया है कि समकालीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र में चयनित उम्मीदवारों की संख्या और इस अवधि के दौरान दिल्ली में चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, तो सिलेक्टेड दिल्ली में ये वाला कॉलम और सिलेक्टेड महाराष्ट्र में ये वाला कॉलम का हमें टोटल, सबसे पहले हमें टोटल करना है, तो इनका टोटल देखते हैं हम, इनका टोटल हो जाएगा दिल्ली का अगर हम ऐड कर देते हैं तो 3, 40, 70, 80, 360, 380 और 484, यानी कि 384 हो जाएगा दिल्ली का, और अगर हम महाराष्ट्र का जोड़ देते हैं 8, 15, 23, 6, 29, 36, 99, 354, 364, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा 364। तो अभी आपसे पूछा है कि महाराष्ट्र का दिल्ली के उम्मीदवारों से, तो महाराष्ट्र का है यहाँ पे 364 और दिल्ली का है 384, इसका कितने प्रतिशत है, तो 364/384 तो 100 की मल्टीप्लाई, अगर हम यहाँ से 4 और 4 एलिमिनेट कर दे दोनों में तो लगभग
36 और 38 बच रहे हैं, तो 36 और 38 को हम डिवाइड देके देखते हैं, तो दो से काटेंगे 18 बार और दो से काटेंगे 19 बार, तो 1/18/19 और ये हो जाएगा 18, तो 1/19 जो होती है लगभग 21 वो 5.26 5.26 के आसपास होती है, तो 5.26 में 18 के मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा 94.73, तो 94.73 यानी कि परसेंट, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 94.7% के आसपास में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 10π/6 प्लस sec π/6 की आपको वैल्यू बतानी है क्या होगी, 10 30 प्लस 10 और sec 30 का मान, 10 30 का मान होता है 1/√3 और sec 30 का मान होता है 2/√3, तो हर समान है तो ऊपर का जोड़ देंगे 3/√3, तो आपका आंसर आ जाएगा √3 या x की वैल्यू आ जाएगी √3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे एक शंकु है और जिसकी आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 8 है, तो अगर ये 6 है और ये 8 है तो ये मुझे समकोण त्रिभुज से ये 90 डिग्री है तो ये 10 हो जाएगी, तो यहाँ से हम इसका L L यहाँ पे स्लांट हाइट है, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया सी एस ए प्लस बेस एरिया, बेस एरिया आपका एक सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, यहाँ से अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा R plus L अंदर हो जाएगा, तो बाई पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और रेडियस है 6 सेंटीमीटर और R plus L हो जाएंगे 16, 6 प्लस 10 करेंगे तो 16, 22/7 × 6 और ये हो जाएगा 16, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132, 22 × 132/7 × 16, तो 16 × 32, सो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 2112 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 21 यानी कि लगभग 301.71 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, दिया है 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, 25 महिलाएं उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि सभी 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं मैन और वुमेन की एफिशिएंसी फाइंड करते हैं, 15 मैन किसी काम को 25 दिन में करते हैं और 25 वुमेन, ये दिया है 25 वुमेन उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकती है, तो 25 से 25 कट गया और 5 से काटेंगे 8 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, तो यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई, मैन की हो गई 8 यूनिट और वुमेन की हो गई 3 यूनिट, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो अभी हमें टोटल वर्क फाइंड करना है, तो टोटल वर्क फाइंड करना है तो इनमें से किसी एक में इनकी वैल्यू रख देंगे, मैन की है 15 8 और वुमेन की 3, तो इनमें रखते हैं, तो अगर रखते हैं हम इसमें 25 वो टोटल वर्क यहाँ से फाइंड करते हैं, तो टोटल वर्क है 25 × 3 × 40/ ये हो जाएगा 15 पुरुष और 25 महिलाएं, 15 पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी 8 है तो 15 की हो गई 120 और एक महिला की एफिशिएंसी 3 है तो 25 की हो गई 75, तो 120 × 75 करेंगे तो 25 × 75 × 40 हो गया और 120 और 75 हो गए 195, ये 195 हो गया, तो 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 9 45, 5 से काटेंगे 15 बार और 3 से काटेंगे 13 बार और 3 से काटेंगे 5 बार, तो 200/13 दिन में कार्य समाप्त हो गया, यानी कि 200/13 हम देख लेते हैं, 13 एकम 13
और 13×5=5 यानी 15 सही 5/13 दिन में पूरा कार्य संपूर्ण होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर का भुगतान करती है और रितिका बाई अपनी पूरी आय पर 40% की दर से, यदि उनकी संयुक्त आय पर 37% दर है तो वाई का मान ज्ञात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन कर से करते हैं। तो सुहानी और रितिका दो कोई पर्सन है, सुहानी अपनी आय पर 30% की दर से और रितिका करती है 40% की दर से, ओवरऑल उनकी संयुक्त आय पर 37% की दर से, तो इसमें से माइनस करते हैं, 40 में से 37 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसमें से करेंगे 7। तो सुहानी की जो वैल्यू दी है यहाँ पे दी है 90,000, यानी कि इसका 30,000 गुना है, तो 7 का 30,000 गुना हो जाएगा 21, यानी कि 2,10,000। इसका 30 गुना करेंगे हम तो हो जाएगा 2,10,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2,10,000 रुपये इसकी आय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अपुद्य है ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा होगा। ए किसी काम को 5 घंटे में करके 8 दिन में करता है, बी 6 घंटे करके उसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी, 5 से कट गए 2 बार और 8 2 से कट गए 4 बार और 2 से कट गए 3 बार, तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 3 और 2। ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो अभी पूछा है दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें, तो हम सबसे पहले टोटल वर्क देख लेते हैं। टोटल वर्क है ए 5×3×5×8, ये टोटल वर्क हो गया और दोनों 8 घंटे कार्य करते हैं, 120 तो टोटल वर्क हो गया, 8-8 घंटे कार्य करे तो ये हो जाएगा 8 घंटे ए करे और 8 घंटे बी करे, तो समय होगा इनका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क है 120 यूनिट और एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 की एफिशिएंसी 8 घंटे कार्य करे तो 24, बी की एफिशिएंसी 2 है और 8 घंटे करे तो 16, 24 और 16 30 और 120 को वो 40, 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसे सोल्व करते हैं हम। ऊपर जो वैल्यू दी हुई है आपको दी हुई है x की पावर 2-1 का होल स्क्वायर और नीचे जो वैल्यू है ये है x-1 का होल स्क्वायर, तो अगर हम ऊपर को सोल्व करते हैं ये लिखा है x-1 और x+1 का होल स्क्वायर और इसका पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में है x-1 का होल स्क्वायर, अगर हम इससे इसका देखते हैं तो ये दिया हुआ है x-1 का होल स्क्वायर और इंटू में x+1 का होल स्क्वायर अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। अब इसे खोलते हैं एक फॉर्मूले से, x²+1+2x ये आपका आंसर आ गया, यह x²+1 2x ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यदि x-1/x √6 है देन आपसे पूछा है x^5 x^8 और -1/x^8, ये इसका एक फॉर्मूला होता है x^4+1/x^4 इंटू में x^2+1/x^2 इंटू में x+1 1/x इंटू में x-1/x, तो इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हम देखते हैं x-1/x की वैल्यू √6 है, तो यहाँ से x+1/x की वैल्यू आ जाएगी, रूट में √6 का स्क्वायर करेंगे और +4×4 करेंगे तो √10 आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो
अब हम इसका स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं तो हो जाएगा रूट दस का स्क्वायर माइनस टू, तो हो जाएगा एट। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गया। अब हम देखते हैं एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हो जाएगा आठ अट्ठी चौंसठ माइनस दो यानी कि 62। तो यहाँ से तीनों तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है। तो अब इनकी वैल्यू रखते हैं बासठ एट यानी कि 62 है, इसकी वैल्यू 62 है, इसकी वैल्यू आई है इनटू में एट करेंगे और इसकी वैल्यू है रूट टेन और इसकी वैल्यू दी हुई है रूट सिक्स। तो आठ दूनी सोलह, आठ दूनी सोलह, आठ छंग अड़तालीस और एक उनचास यानी कि 496 में रूट साठ, ये हो जाएगा 496 इंटू रूट साठ को लिखेंगे हम दो रूट पंद्रह, दो रूट पंद्रह इसे लिखेंगे और 496 की दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनचास दूनी अठानवे 992 इंटू रूट पंद्रह यानी कि ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 12% 20% और 25% की क्रमिक छूट बराबर होगी एकल छूट के। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12% 25% और 20%। तो 12 और 25 की हम इफेक्टिव रेट लगाते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए अपॉन ए इंटू बी अपॉन 100%। तो 12 और 25 में लगा देते हैं, 12 और 25 हो गए 37। 37 में 25 और 12 37, 12% और 25% की एकल छूट हो जाएगी 37 माइनस 3, ये हो जाएगा 25 और 12 करेंगे 300, 300 बटे 100, दो जीरो कट गए तो हो जाएगा 37 माइनस 3, ये हो जाएगा 34%। अब 34% और 20% की हम एकल छूट की गणना करते हैं तो 34 और 20 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 54, 54 में से माइनस करेंगे 34 दूनी 78 यानी कि 7.8। इसमें से अगर हम 780 हो जाएगा इनकी मल्टीप्लाई तो 7.8 माइनस करेंगे तो जाए वो 68 है, सॉरी 34 दूनी 68 तो 6.8 माइनस करेंगे तो 47.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है। तो आपसे पूछा है टेन थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है आपका 4, हाइपोटेनियस है 5, तो बेस हो जाएगा 3। तो अभी आपसे पूछा है टेन थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू। टेन थीटा है आपका, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये इसका रिवर्स हो जाएगा कोट में, तो ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा आपका 12, एलसीएम 12 है, 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 9। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, 7/12 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 25। राम मोहन एक स्कूटर को 20% के लाभ पर बेचा, मोहन ने श्याम को 40% के लाभ पर बेचा, श्याम इसके लिए 1430 रुपये भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने में खरीदा। ऐसे सवालों को हम रिवर्स से सोल्व करते हैं। तो 1430 जो वैल्यू है ये 40% के लाभ पर है, 40% की फ्रैक्शन होती है आपकी 2/5 यानी कि ये जो वैल्यू है 2 से 5 से 7 यानी कि जो वैल्यू है 7 की है। तो आपसे पूछा है 5 की कितनी होगी। और दूसरी कंडीशन में है 20% का लाभ, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 यानी कि 5 से कोई चीज 6। तो अगर ये वैल्यू 6 की है तो आपसे पूछी है 7 उसकी 5 की, क्योंकि हमें ऑप्शन में दिख रहा है 7 से कोई भी ऊपर नहीं कट रहा है नोमिनेटर में, तो ऑप्शन जो होगा हमारा पॉइंट में होगा। तो पॉइंट में केवल हमें ऑप्शन डी नजर आ रहा है यानी कि 851.19 यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थे हम सीजीएल 2023 के 17 जुलाई के शिफ्ट सेकंड्स के सवाल। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगली बार कौन सी सीरीज चाहिए। थैंक्स।